यार जो जेरी बना मैंने होती मन में नहीं था ये था पूरी थी ये था गिर जरा दिखा ले वो चढ़ के इन्हें लड़िया मारी ने से बिजली जो लगी है ना मोया मोया बच्चे आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर जंगल है और इस जंगल में एक ऐसा दरख्त है जिसको जो है ना लोग पीर मानते हैं, कोई उसको पीर मानते हैं, कोई जो है कहते हैं कि ये जी दरख्तों को सजदा किया जा रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि असल में ये है क्या चीज़, और वहाँ के इलाका मकीनों से भी पूछेंगे। तो चलते हैं अभी उस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं कोट मिठन में वांग रोड के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक दरख्त है, ये कीकर का एक दरख्त है और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा शापर बंधे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर एक बेर बेचने वाले दुकानदार से भी इसके हवाले से पूछा है, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए ज़रा। जो जेरी बना मैंने होती मन में नहीं था, ये था पूरी थी। क्या मन होती ये शापर बाद में? हाँ कोई शायद भी मन बनो शापर बदने ना लोग हम दिन पंजाब पंजाब सौ सौ रुपये शापर घंटे बाद में। अच्छा जी हाँ साकू तो ये वो दस दिन जब मन्नत पूरी थी मेरी। कोई हिस्ट्री है इधर के बारे यार? हम दे एक बंदा सफाई कार में दे एक बंदा ना जरा वो दस दिन जो इथा गिर जरा दिखा ले। हाँ ठीक है वो जर दिखा लेते ही वजह के ये गंदा पी है शापर ना पी। ये बताएं कि यहाँ पर ये कंडा कंडा इसको तो सरेकी में कहते हैं ना, तो इसको कंडा पीर कहते हैं और यहाँ पर बेशुमार शापर बंधे हुए हैं, तो ये वजह क्या है? यहाँ पर कोई दरगाह भी नहीं है किसी बुजुर्ग की, तो क्या ये दरख्तों को सजदा जैसे किया जाता था किसी ज़माने में, क्या वो कहानी है? समझ में नहीं आ रही हमें, ज़रा वजाहत करें कि ये शापर जो बंधे हुए हैं ये किस लिए बंधे हुए हैं? इन शापरों में पानी भी भरा हुआ है। असा तरह से जो मैं छोटा भी था उस टाइम ये सड़क कच्ची थी, ईंटों वाली कच्ची थी, यहाँ घोड़े टांगे चलते थे, अभी तो ये गाड़ियाँ बड़ी बड़ी चल रही हैं और मैं भी देख रहा हूँ यहीं से गुजरता हूँ, कभी कभी गर्मियाँ भी होती हैं तो हम यहाँ ठहर जाते हैं पानी पीने के लिए। तो ये सुनने में आ रहा है जो भाई यहाँ पर जो है ना ये एक सामने बस्ती है, यहाँ से एक बुजुर्ग आता था तो वो पानी पहले यहाँ ये नौका नहीं लगा हुआ था, वो बहुत बुजुर्ग वहाँ से घर से टीन में बर्तन में पानी भरकर यहाँ सबील के लिए वो ये मट रखे है, उसने ये घड़ा इसको हम बड़ा मट बोलते हैं सबील का, उसमें पानी डालकर वो यहाँ पानी लगा कर तो छाँव के नीचे वो रख के चला जाता था। फिर दोपहर को शाम को ऐसे ऐसे वो लगातार कई सदियाँ कई दिन कई साल गुजर गए वो आता जाता, फिर उसका बेटा आया। फिर हम अभी जो है ना यहाँ पर ये देखने में आ रहा है जो भाई यहाँ है किसी लोगों ने ना यहाँ आकर ये शापर बांधना शुरू कर दिया है। अभी लोगों का कहना है जो भाई यहाँ ये थैली बंधोगे ये बांधोगे शापर नीले रंग का पीले रंग का गुलाबी रंग का, और किसी किसी थैलियों में शापर में ना जो पानी भी भरा हुआ है, अब हम ये पानी भरा हुआ भी देख रहे हैं, पहले ये भी नहीं था। तो यहाँ एक पखंडी किस्म का आदमी भी आया था तो वह भी सुनने में आ रहा था, अभी उसने वहाँ यहाँ आकर उसने कहा भी मुझे ख्वाब में जो है ना एक बाबा आ गया, उसने कहा भी यहाँ मेरी रिहायश थी यहाँ मेरी कब्र थी यहाँ तवीज़ बना दो। तो यहाँ का मौजूदा ये इलाका मौजूदा शाहपुर का है, तो यहाँ का मौजूदा जो पटवारी था तो पटवारी को जब पता लगा तो पटवारी ने आया यहाँ अपने कारिंदों के साथ, उन्होंने बाबे को जो है यहाँ से भगा दिया था। उसने कहा भी ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो एक उसको क्या होते हैं इस्लाम के जो है ना ये खिलाफ है, तो आपको कौन से बाबे ने यहाँ ख्वाब में आया ये फला, ये एक बिदत है और बिदती रस्म है और ये शापर बांधना ये करना ये इस्लाम के गैर जो ना ये उसके उसमें नहीं आता है। और बाकी जो रहा बात रही है जो भी इसकी जो है ना भाई पानी की, पानी तो सबील है ये अल्लाह के नाम का पानी है, पानी तो रखना चाहिए मुसाफिरों के लिए आने के लिए, नलके का भी इंतजाम होना चाहिए, पर ये जो ना ये रस्म और ये जो है ना ये इंतहाई इसका तरीका सही नहीं है, ये शापर बांधना ये मुरादें पूरी करना ये यहाँ जो भी दिल में आए मुरादी भी, तो एक दरख्त है और दरख्त को ये शापर बनना इसको ही खुदा बना लेना
हमारे तो ये है इसको खुदा बना दिया था भी, ये मेहमनते पूरी होगी नहीं, नमाज पढ़ो, अल्लाह करो, रोजा रखो, ताजत करो, नमाज पढ़ो, ये काम करो, नेकी के काम करने चाहिए, ये शाह पर नहीं बांधने चाहिए बस। मकामी लोगों की बातों से तो हमें ये पता चला है कि बिल्कुल आगे आए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये घड़े रखे हुए हैं। इस कहानी में ना थोड़ा सा हमें ये समझ आ रहा है कि किसी ज़माने में, क्योंकि यहाँ पे आगे 18 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, उससे आगे जो है देही इलाके जाते हैं और इस तरफ जो है वो शहर फरीदकोट मिठन शरीफ है, तो ये जो रास्ता था राह गुजर थी और वीरान इलाका था, उस ज़माने में आबादी भी कम थी, तो एक दरख्त के नीचे करीब की बस्ती के एक बुज़ुर्ग जो है यहाँ पर पानी की सबील लगाने के लिए जो है यहाँ पर घड़े रख दिया करता था और राहगीर जो यहाँ से आते थे वो पानी पीते थे। उसी को जो है वो सिलसिला अभी भी यहाँ पर आ रहा है। देखें अभी यहाँ मटका रखा हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, इसमें ठंडा पानी है और ये घड़े रखे हुए हैं और साथ ही एक नलका भी लगा हुआ है, हैंडपम्प भी लगा हुआ है, मेरे ख्याल में ये भी बिल्कुल चालू है, पानी दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये उस वक्त इस दरख्त के नीचे लोग जो मुसाफिर हुआ करते थे वो आराम भी कर लेते थे और यहाँ से पानी भी पी लेते थे, फिर अपने सफ़र को जारी रखते थे। तो ये सिलसिला चलते चलते अब जो है अब ये कंडा पीर में तब्दील हो चुका है। तो कंडा पीर में तब्दील होने के बाद लोग जो है अकीदत मंद जो आते हैं यहाँ पर, ये शापर भी बांधते हैं, अपनी मन्नत पूरी करते हैं। हाजी साहब एक हाजी साहब अल्लाह दिता उनके वालिद साहब ना हा रमजान फकीर बोला ओ फकीर हा बोला इवें साड़ी पोश के जरिए फकीर पी आम दिए ए बोला नलका हूं मराया ए मट्टी हैदराबाद किनु कहनाया मलिक निहाल ड्राइवर हा ए हैदराबाद किनु आंदिया बोला ए जरा ए मट्टी उथ खूह होंदा ओडे पुराने जमाने च उथा की हिने किने ओ खू जरा हा उथों पानी भरते ही सही कर मट्टियां भरंदा हा चंगी आस बंदा पाती आवे दिल च ओ कबूल थी वेंदी इंशाल्लाह। इत्थां ढेग लोक आंदन ए इत्थां कर ए मैं हुण मट्टी मैं भरंदा भाई साहब तां अल्लाह को प्यारे थी गए मजार नजर नहीं पी कहीं बुजुर्ग दी वली दी कोई मजार दरगाह कुछ कोई नहीं, इयो एक दरख्त है, इयो दरख्त है जरा हिने को कप्पे बिजली आले। अच्छा, मम्मा दली को जान दो भावे काय ना। अच्छा, ए असा डा रही है असा के यार पहले इनु इजाजत गेन बाद ज कपियो आके सोन वए काय गनु दरख्त गनु दरख्त गनु। हां, ओ चढ़ गए इना लड़िया मारी नस। हां, बिजली जो लगी है सना मोया मोया बच्चे। अच्छा, अना सही वाला यार आके मैं वाला छांडने ही को। हां, बला एक नु माफी मंगी है दरख्त गनु दरख्त गनु क्या आगे सी को ही को आगे अल्लाह वास्ते मैं को मेरी मसले नौकरी दा मसला है। हां, तू जरा मैं को ए लड़िया छांडा ले ही दरख्त को आगे। अच्छा, बला ऊ ए लड़िया छांडे ने बला हु को कुछ का एक बंदे बे ही सही कर आने लड़िया कपे ने। हां, उदा पियो 8वें डाड़े मर गए। अच्छा, इथा एक जरा ना सैयद रहंदे। हां, इथा ही कर बात सही को आका ऊ किनु बात दे विच वाला जरा ए अल्लाह वाले ई में अल्लाह वाले दरख्त कनो जो पूछे इसके मैं को कटांडे वाला दरख्त जो आवाज आई है आवाज इथा कर बंदे ढेर मौज में डिठे छिटे कपड़े जवान है इथे में फिरदा पहले इथे सड़क ली की ने दादा। अच्छा, भला ने को गए इथे सड़क ली की ने इथे कर वो सड़क काले माफी मांगते भाज गए ने आगे इथा इथा उ चिट्टा जवान बुजुर्ग उठ दे में चिट्टे कपड़िया ला कोट में ठंड वेंदा पे उ आके इथा सड़क ना आनो उठा आनो। बस यो को असा यो को जान दो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब है कि जेड़ा भी हमदे इथा दरख्त कटण वास्ते ते जेड़े अगर इक नु इजाजत घिनसी दरख्त करनो ते कटण दे सी ना ते ना कटण ना कटण दे सी ना ता को नुकसान थी वेने को नुकसान
इवें दा मौज में कई डिठी करू असा क्या क्या दसो हां ए मौज मां डिठी करू उंदा पियो फौत थी गए ओसी हियां छांडे शिकाणी बोला ए मम्मा दली यो किते चढ़ा ए छांडी ए बिजली आला ओ मोया मोया बच्चे अच्छा बस इवें ढेर लोग बोला डीसीओ को दरखास्त दीती ने ए तेरे वांगाले बेली ए दरख्त छापर क्यों बदे गड़न ते कट्या वने डीसीओ आ गई थी मैं खड़ा हम मैं के यार तुम्हारी शायद कट्टी वजो तो मासा जिले दे मालिक हो ए महकमा जंगलात दा हां ए हे जंगलात दा महकमा अच्छा अच्छा दरख्त भी जंगलात दा हां दरख्त ही जंगलात दा है अच्छा अच्छा पानी वो आ मैं आखम सी आज अल्लाह दा उंदे अब्बे दे ना रमजान फकीर ओ यक्के फकीर पे हम तू असा अच्छा हां बस ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਟੱਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਹੂੰ ਟਾਈਮ ਸਾਇਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਾਂਧਦੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਾਪਾਰ ਤੇ ਮੰਤਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਂਧ ਵੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿੰਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਥੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਵੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਦੇਖ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਪਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਦ ਬਾਦ ਖੜਾਇਆ ਇਹ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਾ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਦੀਵੇਂ ਨੇ ਬਲਾ ਸ਼ਾਪਰ ਬਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਬਦੇ ਨੇ ਬਲਾ ਮਨੋਤੀ ਆਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪਰ ਹੀ ਬਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖ ਚਾਵਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਟੁਕੋ ਮਿੱਠਾ ਟੁਕੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਟੁਕੋਰ ਵੰਡੇ ਨੇ ਮੰਨਤ ਵਾਲਾ ਆਂਡੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਪੂਰੀਆਂ औलाद मटके पानी के भरे हुए हैं जी। यहाँ पर लोग जो है दूर दराज से आते हैं, जो मुसाफिर वगैरह ना वो पानी पीते हैं। ये हैदराबाद की मटकी है, इसको भी हम देखते हैं जरा। माशाल्लाह ऊपर देखना है जाला वगैरह। ये पानी तो है लेकिन मेरे ख्याल में जरा सफाई का निजाम दुरुस्त नहीं है। ये देख ये जाला हटा है, पीवान का काई नहीं। हां ये यहां पर भरे हैं, एक काई ना। हां यहां पर भरे ना ये हाली जे रहे ना ये मट्टी कोज वाला यो इको पारू यो दे बने कंधी दे बने। अच्छा ये सिली आया रखे ने। हां इने कंधी दे तो वाला रेत ती भर दे। वाला जे रहे ये बिल्कुल सफा ती पानी बे तो यहां पर बदे ने पींदे उठू अन मट्टी की। लोग मनते भी मानते हैं, कंडा पीर की जियारत भी करते हैं, इसको चूमते भी हैं। इस कंडा पीर के हवाले से जो लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, कोई इसको बिदत करार दे रहे हैं, कोई इसको पीर तस्लीम कर रहे हैं, तो ये है क्या? दरअसल हमें इस्लाम से जानने की भी अशद ज़रूरत है। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें जो अल्लाह पाक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दीन अता फरमाया है, हमें उसकी पैरवी भी करनी चाहिए और तवक्कल दो अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बयान पाकिस्तान जिंदाबाद। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। परवरदिगार हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये हमारा कौलो करार है, ये हमारा अहद है अल्लाह के साथ। इसके खिलाफ ना हो किसी को पुकारने की इजाजत नहीं है। ला तदउ मा अल्लाह अहदा। अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तेआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के।